हेलो। आज एक और मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ, वेज पनीर फ्राई। इसके लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा और मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है 100 ग्राम इच। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। अभी डालेंगे थोड़ा सा नमक एज पर टेस्ट, मिक्स करेंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंथेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा तेल मैंने ऊपर डाला है 1 स्पून। ये एक्चुअली तेल डालने का जरूरत नहीं है, तेल डालेगा तो थोड़ा और भी सॉफ्ट हो जाता है करके। इसको मैं अभी बाजू में रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए। फ्रैंकी मसाला बनाएंगे। इसका प्रोसीजर ऐसे है, चिली पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1.5 स्पून और आमचूर पाउडर भी आप ले सकते हैं खट्टा मत खाइए तो। और नमक एज पर टेस्ट, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर लीजिए 1/2 टीस्पून। अब ये सारा इधर ही मिक्स करेंगे इसमें। ये रेडी हो गया हमारा फ्रैंकी मसाला। अब ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया, गैस चालू किया। इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन, बारीक से काटा हुआ प्याज और एक 5 गार्लिक का क्लाउस लिया है फाइनली चॉप करके। अच्छे से भूनने का नहीं है, थोड़ा सा इसका कच्चापन जाना चाहिए, बस उतना ही। अभी इसमें डालेंगे थिनली साइज्ड कैबेज, पत्ता गोभी का लंबा लंबा काट के ले लिया है। थोड़ा सा इसे तेल में फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम डाला। ये सारे क्वांटिटी आपको जैसे चाहिए वैसे बना दीजिए। मैंने एक 4 फ्रैंकी के लिए बना रही हूँ ये, तो मैंने आधा शिमला मिर्च लिया था। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, ये भी कलर और स्पाइसीनेस पूरा आप देख के डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला और अभी नमक डाल रही हूँ। नमक डालते वक्त ध्यान रखिए। अभी विनेगर 1/2 स्पून डाला। अभी ये थोड़ा अच्छा से हम मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें सोया सॉस 1/2 टीस्पून डाला। जनरली फ्रैंकी जो बनाते हैं ना, वो हर एक वेंडर से अलग अलग टाइप से बनाया जाता है, तो मैंने मेरा ओन मैंने इसे बनाया है। इसमें थोड़ा ग्रीन चिल्ली ऐड करती हूँ, ये भी फाइनली चॉप्ड है। शेजवान सॉस 1 टीस्पून। अभी मैं 2 टीस्पून टमाटो केचप डालती हूँ, इससे खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है, चाइनीज फ्लेवर है ना। अभी गैस भी मैंने एकदम छोटा रखा है, हमारा वेजिटेबल्स पूरा क्रंचीनेस होना चाहिए, पूरा उसका नरम नहीं होने का। इसमें ऐड किया पनीर, पनीर पूरा स्लोली, अभी मतलब टूटना नहीं चाहिए, वैसा मिक्स किया। आपको चाहिए तो इस स्टेज में एक बार देख लीजिए नमक मिर्ची वगैरह डालने का क्या है करके। बस ये रेडी हो गया, मैंने गैस बंद किया। ढक्कन डालने का ज़रूरत नहीं है, ढक्कन डालेगा तो क्या हो जाता है, पूरा वेजीस क्रंचीनेस निकल जाता है। तो मैं अभी फ्रैंकी मसाला ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, हमने बना के रखा था ना अभी वो वाला, उसको एक जो ज़्यादा बचा हुआ रहता है वो बॉटल में डाल के टाइटली क्लोज करके रखिए, एयरटाइट कंटेनर। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पेज है, प्लीज फॉलो कीजिए। अभी देखिए ये आटा हो गया हमारा नरम हो गया। मैं एक थोड़ा सा इसको ना मसलूंगी। अभी
बस इतना मसलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा पेड़े बनाएंगे। बहुत ही छोटा हो गया और मैं अभी ये इसको ना गोली बनाऊंगी ऐसे पेड़ा जैसा। ये हथेली में रखने का इसे ऐसे किया तो राउंड हो जाता है, जैसे चपाती बनाते हैं ना, रोटियां चपाती वगैरह भी सही बना। ओके, अभी इसको हम बेलेंगे। थोड़ा सा मैंने डस्ट किया है ड्राई आटा, उसी के ऊपर बेलेंगे। एक इतना भी पतला करके चपाती का जैसा नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा जाड़ा रखेंगे। अभी तवा मैंने गरम करके रखा था, इसके ऊपर मैं ये सेकूंगी। इसको दोनों बाजू में अच्छा से अच्छा सेक। अभी मैं इसको बटर या तेल कुछ भी नहीं लगाती हूँ, वैसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अभी जो ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ चपाती है ना, उसको दोबारा मैं थोड़ा सा बटर लगा के क्रिस्पी करती हूँ। थोड़ा सा बटर का क्वांटिटी आप देख के डाल सकते हैं, मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ इसके लिए कम बटर यूज़ करती हूँ। अभी इसमें मायोनीज और टमाटो केचप मिक्स करके हम इसका स्प्रेड बनाएंगे। यहाँ पे कई लोग ग्रीन चटनी भी यूज़ करते हैं साइड में, तो जैसे स्ट्रीट वेंडर्स करते हैं वैसा आप भी कर सकते हैं। मैंने इधर मेयोनीज और टमाटो केचप का स्प्रेड बनाया। अभी इसमें पूरा मसाला इसे डालेंगे। इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स मतलब पत्ता गोभी बारीक स्लाइस करके रखा था मैंने, वो डाला, कैप्सिकम डाला और ये फ्रैंकी मसाला। और ये विनेगर और मिर्ची मिक्स करके डालने का था अपना। विनेगर में ना थोड़ा सा मिर्ची डाल के एक आधा घंटा पहले रेडी रखी है, और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए, एक क्वार्टर स्पून डालेगा तो बस हो जाता है, चटपटा लगता है। फ्रैंकी में मसाला थोड़ा एडिशनल फ्लेवर आ जाता है मसाले से। अभी इसको हम रोल किया, अभी रैप भी करेंगे। रैप पेपर रहता है तो ये रैपर से हम रैपर को ना स्क्वायर कट करके ट्रायंगल शेप में किया फोल्ड करके, और अभी इसको फ्रैंकी को अच्छा से रैप करेंगे। ऐसे रैप किया तो ना खाने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब गिरेगा नहीं, तो दूसरा एंड पूरा लॉक रहता है ना। ये देखिए ऐसे भरा हुआ मसाला रहता है अंदर फ्रैंकी में। और ये चपाती का थिकनेस देखिए, ये रोटी का अच्छे से अच्छा क्रिस्पी हो गया है एकदम फाइन। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।